एक नए टॉपिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गाइज, अगर आप ए टू प्ले एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर आपने वीडियोस बनाना शुरू कर रखी है तो आप लोगों को आज मोनिटाइज पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने वीडियोस को कैसे मोनिटाइज कर सकते हैं या फिर इसका क्राइटेरिया क्या है, ओवर द सर्कल आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझनी बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेकर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दे दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो आप रोज़ाना जुड़ सकते हैं, सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं इंस्टा पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस खास एप्लीकेशन की, ये है हमारा ए टू प्ले एप्लीकेशन। ए टू प्ले एप्लीकेशन पर आप लोगों को पता है कि YouTube की ही तरह वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो YouTube पर जैसे चाहिए होते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि अब 3000 घंटे का हो गया है। आपको 1000 फॉलोवर्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। अब ऐसे तो आपको YouTube पर चाहिए, बट यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए सिवाय 200 फॉलोवर्स के। अब ये 200 फॉलोवर्स क्या है या फिर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हिडन हैं इसमें, ये हमें हमारा ए टू प्ले एप्लीकेशन ही बताता है। और इसी की बताई हुई बातों को लेकर आज आपके साथ कुछ चीज़ें अल्टरनेटिवली मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, मोनिटाइज पॉलिसी समझना एक बहुत ज़रूरी है हर क्रिएटर के लिए इस एप्लीकेशन पर जो काम कर रहा है। मोनिटाइज पॉलिसी कैसे काम कर रही है, देखो ये समझो, ये हमें ए टू प्ले एप्लीकेशन ने दिया है और यहाँ से हमने निकाला है। अब ये समझते हैं कि यहाँ मोनिटाइज के लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप 10 वीडियोज़ यहाँ पर डालें जो नॉन कॉपीराइट हो और इसके साथ 200 फॉलोवर्स चाहिए। लेकिन 200 फॉलोवर्स कैसे चाहिए, जेन्युइन चाहिए। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि फॉलो टू फॉलो वाली स्कीम नहीं चलेगी, लिखा हुआ है कि कोई भी फेक फॉलोवर नहीं चलेंगे। एक तो ये समझो कि फॉलो टू फॉलो मत कहो किसी से जाके कि आप हमें फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे और ऐसे हम फॉलोवर बढ़ा लेंगे। ये सारी चीज़ें देख रहा है कैसे कौन क्या कर रहा है, एल्गोरिथम इसके पास है, चीज़ इसी की है, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ ये जानता होगा। अब दूसरी चीज़ समझाता हूँ, ये जो 10 कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट वीडियोज़ डालने को बोल रहा है, इसमें आपकी ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप अपनी ऐसी वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको शायरी आती है, शायरी की वीडियो बनाओ, अपलोड करो। आपको डांस आता है, डांस की बनाओ, अपलोड करो। आपको सिंगिंग आती है, व्हाटएवर, जो भी आप कॉमेडी स्टैंड अप वगैरह करते हैं, ये सब वीडियोज़ बना के ओरिजिनल, जिसमें आप खुद हो, ये सब डालो, अच्छी क्वालिटी की डालो और अपलोड कर दो। 200 फॉलोवर्स होने का इंतज़ार करो। जैसे ही 200 फॉलोवर कंप्लीट हो जाते हैं भैया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियोस को क्लियर करना है, बस ओरिजिनल करते जाओ और यहाँ पर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है सिर्फ 200 फॉलोवर्स से। हमने अपना चैनल बना लिया है, हमने भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके हमें भी फॉलो कर लेना। और अगर हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि हम उस पर सारी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ए टू प्ले एप्लीकेशन पर एलिजिबिलिटी समझ रहे हो, क्राइटेरिया समझ रहे हो, तो यही है, 200 फॉलोवर्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको जेन्युइन फॉलोवर्स चाहिए। 10 वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, लेकिन वो 10 वीडियो भी नॉन कॉपीराइट होनी चाहिए, किसी भी तरह का म्यूजिक पीछे ना चल रहा हो पूरा, जैसे हम अपने यूट्यूब पर करते हैं, ये आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी लगी हो। एक चीज़ और कि अगर ए टू प्ले एप्लीकेशन के बारे में आप जो भी चीज़ें समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को अगले दिन ही बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।